हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीबिजनेस। ये ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो जनरली आपसे कई बार जीआरएफ में और जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसमें पूछा जाता है कौन सा इंस्टीट्यूट कब स्टेब्लिश हुआ और कब कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है। तो ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे बहुत ही शॉर्ट वे में। अगर हम पहले बात करें तो पहला इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च एसोसिएशन, एरा जिसको नाम बोलते हैं। ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है 1987 है। ये रिसर्च एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट साइंटिस्ट एंड एकेडमिशियन है जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के सेक्टर में रिसर्च में काम करता है। जर्नल्स का एक चलता है, जर्नल्स भी इसका एक जो है चलता है जिसमें रिसर्च पेपर और ये क्वालिटी एक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इसका रेटिंग भी नास रेटिंग भी 500 से ऊपर है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाले जरूरत है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर कब एस्टेब्लिश्ड हुआ। एक इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और 1939 से ये कंटिन्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में रिसर्च में ये जो है किशन का काम कर रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन करवाता है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है फॉर द स्टूडेंट्स एकेडमिशियन रिसर्च साइंटिस्ट आल्सो। उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स। ये एक इम्पोर्टेंट एग्री बिजनेस सोसाइटी है, न्यू दिल्ली में बेस्ड है। 2001 से इसका ये एग्जिस्टेंस में आया हुआ है और ये एग्रीबिजनेस के सेक्टर में काम करता है। उसके बाद में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER 1956 से काम कर रहा है और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये जो है काम करता है और इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में ही है। इंडिया करनाल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में सिचुएटेड है, बेस्ड है और ये 1936 से कंटिन्यू जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में रिसर्च टीचिंग में काम कर रहा है और ये बहुत ही बड़ा प्रीमियम इंस्टीट्यूट माना जाता है। यहाँ से पीएचडी करना और यहाँ से एमएस डिग्री लेना एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट उनका एक सपना होता है। बहुत ही नामी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो कभी आपको मौका मिले तो ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सौभाग्य को आप नहीं को नहीं छोड़ना है। बाद में बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। ये जो है 1991 से जो है ये अस्तित्व में है और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और इससे रिलेटेड पॉलिसी रिसर्च पे काम करता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग यहाँ पर रिसर्च और इन सब पे काम होता है। उसके बाद में स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFSC जो कि न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है 1994 से कंटिन्यू एग्री बिजनेस के क्षेत्र में किसानों को साथ लेकर काम कर रहा है, किसानों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब। कोरोना के इस दौर में जो है सेफ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।